Welcome to LRNR classes. Today in this video we are going to learn a new prose of class 3 from unit number 9 and the name of the prose is He is my little brother. He is my little brother. This is a prose which is written by Sanat Kumar Bhatt. So ये एक छोटा सा स्टोरी है जिसको किसने लिखा है सनत कुमार भट्ट ने लिखा है सो इन द स्टोरी व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न इन द स्टोरी वी आर गोइंग टू लर्न द इम्पॉर्टेंस ऑफ रिलेशनशिप ये स्टोरी में हम रिलेशनशिप का इम्पॉर्टेंस जानेंगे एक ब्रदर और सिस्टर के बीच के बॉन्डिंग के बारे में जानेंगे ये स्टोरी एक एल्डर सिस्टर को अपने छोटे भाई के प्रति लव और बॉन्डिंग के बारे में हमें बताता है अक्सर हम अपने फैमिली मेंबर्स के लिए छोटे छोटे सैक्रिफाइसेस कर देते हैं क्यों क्योंकि हम उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं हम उनके बारे में केयर करते हैं हम फ्रेंड्स के लिए भी कभी कभी छोटे छोटे सैक्रिफाइसेस कर देते हैं क्योंकि उनके और हमारे बीच में बॉन्डिंग स्ट्रांग रहता है और हम उनके लिए केयर करते हैं तो दिस स्टोरी वुड टीच अस अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ रिलेशनशिप एक एग्जाम्पल ले लेते हैं आपने होमवर्क कर लिया और आपका टाइम हो गया बाहर जाके खेलने के लिए आपका छोटा भाई या छोटा बहन आपसे कहते हैं कि मुझे थोड़ा मैथ समझा दो या मुझे थोड़ा इंग्लिश समझा दो आपको खेलने के लिए बहुत ज़्यादा मन होता है क्योंकि आपने अपना होमवर्क तो कंप्लीट कर लिया फिर भी आप उस दिन खेलते नहीं हो और अपने छोटे भाई और बहन को मैथ्स या इंग्लिश पढ़ाने लगते हो क्योंकि आपको लगता है वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आप अपने खुशी को त्याग कर उसको पढ़ाने लगते हो इस स्टोरी में हम एक छोटी सी बच्ची के बारे में पढ़ने वाले हैं जिसका नाम मीना है उसका उम्र मात्र 12 साल है उसका छोटा भाई का उम्र 4 साल है मीना अपने छोटे भाई को एक दिन अपने पीठ पे उठा के पहाड़ की ओर चढ़ाई कर रही होती है वो अपने छोटे भाई को पीठ पे उठा के पहाड़ की ओर एक होली प्लेस में चढ़ाई कर रही होती है होली प्लेस यानी एक पवित्र धार्मिक स्थान हो सकता है कि पहाड़ पे कोई मंदिर हो या कोई मस्जिद हो मीना वहां पे जाके भगवान को प्रेयर्स ऑफर करना चाहती थी तो वो अपने छोटे से भाई को पीठ के ऊपर उठाकर पहाड़ की चढ़ाई कर रही थी मीना के साथ साथ बहुत सारे लोग थे जो पहाड़ की चढ़ाई कर रहे थे पहाड़ की चढ़ाई करना तो अपने आप में ही एक मुश्किल बात है मीना तो बहुत ज़्यादा छोटी थी लेकिन वो पहाड़ की चढ़ाई के साथ साथ अपने पीठ के ऊपर अपने भाई को उठाकर पहाड़ की ऊपरी हिस्से के ओर चढ़ाई कर रही थी तभी उनमें से एक आदमी जो था जो कि पहाड़ की चढ़ाई कर रहा था उसने मीना से पूछा क्यों तुम इतना बोझ अपना पीठ के ऊपर लेकर पहाड़ की चढ़ाई कर रही हो तब मीना एकदम आश्चर्य हो जाती है मीना बोलती है कि मैंने जो पीठ पे उठाया है वो कोई बोझ नहीं है वो उस आदमी से पूछने लगती है कि ये जो बच्चा मेरे पीठ पे है वो मेरा खुद का छोटा भाई है और मेरा भाई कभी भी मेरे लिए बोझ नहीं बन सकता मेरा भाई मेरे लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी है मैंने उसको पीठ पे इसीलिए उठाया है क्योंकि उसका उम्र मात्र 4 साल है और वो पहाड़ की चोटी पे चढ़ाई नहीं कर सकता क्योंकि वो अभी बहुत ज़्यादा छोटा है और रास्ते में बहुत ज़्यादा कंकड़ भी हैं तो मीना कहती है कि मेरा भाई मेरे लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उस आदमी को समझाती है कि फैमिली में जितने भी रिलेशनशिप हो
ब्रदर और सिस्टर का रिलेशनशिप हो या कोई भी रिलेशनशिप हो, उसमें लव एंड केयर प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है। मीना अपने भाई को रिस्पॉन्सिबिलिटी समझती है, वो अपने भाई से बहुत ज़्यादा प्यार करती है। और ये स्टोरी से हमें ये सीखने के लिए मिलता है कि हम अपने फैमिली मेंबर्स को, अपने भाई को या अपने पेरेंट्स को खुश करने के लिए लाइफ में छोटी छोटी सैक्रिफाइसेस करते हैं। उसको कभी भी बोझ नहीं समझना चाहिए, बल्कि रिस्पॉन्सिबिलिटी समझना चाहिए। तो चलिए इस स्टोरी को एकदम डिटेल में लर्न करते हैं। वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ स्मॉल हिल। बहुत समय पहले एक छोटा सा पहाड़ था। अ पाथ वेंट अप द हिल। उस पहाड़ पे एक छोटा सा पाथ था। एक छोटा सा पाथ यानी एक नैरो रोड था जो पहाड़ की ऊपरी हिस्से की ओर जा रहा था। इट वेंट थ्रू थिक एंड लवली वुड्स ऑफ पाइन एंड फिर ट्रीज। वो जो पाथ था, वो पहाड़ के ऊपर जो पाथ जा रहा था, उस पहाड़ पे क्या था? उस पहाड़ पे वुड्स, यहाँ पे वुड्स का मतलब है जंगल या फॉरेस्ट। उस पहाड़ पे फॉरेस्ट था, और उस फॉरेस्ट में कौन कौन से ट्रीज थे? फिर और पाइन ट्रीज थे। ये फिर और पाइन ट्रीज उन जगहों पे पाई जाती हैं जहाँ पे मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, और उन फिर और पाइन ट्रीज के सेप यूजुअली कोन शेप्ड होते हैं। वो नीचे से एकदम वाइड होते हैं और ऊपर की ओर जाते जाते एकदम नैरो होते जाते हैं। इट वेंट थ्रू थिक एंड लवली वुड्स ऑफ पाइन एंड फिर ट्रीज। तो उस पहाड़ पे फॉरेस्ट था, और उस फॉरेस्ट में कौन कौन से ट्रीज थे? फिर ट्रीज और पाइन ट्रीज। पीपल ऑफन वॉक्ड ऑन इट टू अ होली प्लेस। तो उस पहाड़ पे एक जो नैरो सा पाथ जा रहा था, नैरो सा रास्ता जा रहा था, लोग उसको ऑफन का मतलब रेगुलरली, लोग उसको, उस रास्ते को रेगुलरली यूज करते थे। क्यों यूज करते थे? एक होली प्लेस को जाने के लिए। होली प्लेस का यानी एक पवित्र स्थान, यानी वो कोई धार्मिक जगह होगा जहाँ पे लोग जाके उनके भगवान को प्रार्थना करते होंगे। वहाँ पे कोई मस्जिद भी हो सकता है जहाँ पे लोग जाके उनके भगवान को प्रेयर्स ऑफर करते होंगे। तो उस पहाड़ के चोटी के ऊपर क्या था? एक होली प्लेस, एक पवित्र स्थान था जिसके दर्शन करने के लिए लोग उस रास्ते को यूज करते हुए उस जगह को जाना चाहते थे। वन डे व्हेन द सन शोन हाई इन द स्काई मेनी पीपल वेर सीन क्लाइमिंग अप द हिल। एक दिन जब मौसम बहुत ज़्यादा सुहाना था, आसमान एकदम क्लियर था, मतलब आसमान में एकदम कोई क्लाउड्स नहीं थे, उस दिन क्या हुआ? वन डे व्हेन सन शोन हाई इन द स्काई मेनी पीपल वेर सीन क्लाइमिंग इन द स्काई। तो एक दिन क्या हुआ? एकदम आसमान पूरा साफ था, कोई क्लाउड्स नहीं था, और सूर्य अच्छे से चमक रहा था। उस दिन क्योंकि मौसम बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, आसमान एकदम साफ था, बहुत ज़्यादा लोग उस पहाड़ की ओर क्या कर रहे थे? चढ़ाई कर रहे थे। They were climbing slowly and carefully. जितने भी लोग उस पहाड़ की चोटी के ऊपर क्लाइंब करना चाहते थे, हर कोई एकदम पहाड़ के ऊपर स्लोली क्लाइंब कर रहा था, एकदम धीरे धीरे एंड केयरफुली, एकदम सावधानी से चढ़ाई कर रहे थे, क्योंकि पहाड़ से जो रास्ता जा रहा था वो एकदम नैरो था, और पहाड़ के ऊपर बहुत ज़्यादा कंकड़ भी रहते हैं,
हो सकता है कि आप फिसल भी जाओ, आपको चोट लग जाए। तो सारे लोग जो पहाड़ के ऊपर चढ़ाई कर रहे थे, एकदम धीरे से और केयरफुली चढ़ाई कर रहे थे। A girl also climbed the hill with them. उन सारे लोगों के साथ, उन सारे क्राउड के साथ जो हिल की चढ़ाई कर रहे थे, जो पहाड़ की चढ़ाई कर रहे थे, उन लोगों में एक छोटी सी बच्ची भी थी जो पहाड़ की ओर चढ़ाई कर रही थी। Her name was Meena. She was 12 years old. उस बच्ची का नाम मीना था। और मीना का उम्र कितना साल था? मीना का उम्र मात्र 12 साल था। वो बहुत ज्यादा छोटी थी। And she carried a small boy on her back. वो छोटी सी लड़की जो बाकी लोगों के साथ पहाड़ के ऊपर चढ़ाई कर रही थी, उसका उम्र मात्र 12 साल था और वो अपने पीठ पे किसको कैरी कर रही थी? वो अपने पीठ पे एक लड़के को कैरी करके उस पहाड़ की ओर चढ़ाई कर रही थी। आम तौर पे पहाड़ की चढ़ाई करना बहुत मुश्किल है, लेकिन मीना इतनी छोटी बच्ची होकर जो कि 12 साल की थी, वो खुद भी पहाड़ की चढ़ाई कर रही थी और उसके साथ साथ वो अपने पीठ पे एक छोटे से लड़के को उठाकर पहाड़ की ओर चढ़ रही थी। He was 4 years old. वो लड़के का उम्र कितना साल था जिसको मीना अपने पीठ के ऊपर उठाकर पहाड़ की ओर चढ़ाई कर रही थी? उस लड़के का उम्र 4 साल था। His hair was curly, his eyes were black. वो लड़के के जो बाल थे एकदम करली थे। करली का मतलब होता है घुंघराले बाल। उस लड़के के बाल घुंघराले थे और जो उसके आईज थे, आईज का जो आईरिस होता है, उसके आईरिस देखने में एकदम ब्लैक थे। एंड हिज फेस वॉज एज फ्रेश एज मॉर्निंग ड्यू। और उस छोटे से लड़के का चेहरा इतना साफ, बहुत ज्यादा साफ दिख रहा था जैसे कि मॉर्निंग ड्यू। ड्यू का मतलब होता है ओस के बूंदे। जब हम सूर्योदय के समय दरवाजा खोलकर बाहर जाते हैं तो क्या होता है? ओस के बूंदे जो घास पे पड़ते हैं, वो सूर्य के किरणों के कारण चमकने लगते हैं। ठीक इस छोटे से बच्चे का चेहरा कैसे दिख रहा था? उस छोटे से बच्चे का चेहरा एकदम एनर्जेटिक और एंथुजियास्टिक दिख रहा था। उस छोटे के बच्चे के चेहरे में एक बहुत ज़्यादा ऊर्जा और उत्साह दिख रहा था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा खुश था, क्योंकि वो उस पवित्र स्थान का दर्शन करना चाहता था और उसकी दीदी उसको अपने पीठ पे उठाकर उस पवित्र स्थान की दर्शन करने के लिए ले रही थी। As the sunshine danced through the trees, Meena climbed the hill slowly and steadily. जब सनशाइन होने लगा, when sunshine danced through the trees, वो सूर्य के जो किरणें थे हर एक पेड़ पे घिर रहा था। सूर्य की रोशनी उस पहाड़ के ऊपर हर एक जगह घिर रहा था। मीना पहाड़ की चढ़ाई एकदम स्लोली, धीरे धीरे से और स्टेडीली, यानी एक कांस्टेंट स्पीड में, एक स्थिर गति से वो पहाड़ की चढ़ाई कर रही थी। मीना वॉज हैप्पी, द बॉय वॉज ऑल्सो हैप्पी। मीना बहुत ज्यादा खुश थी और मीना जिस बच्चे को अपने पीठ पर उठाकर पहाड़ की ओर चढ़ाई कर रही थी, वो लड़का, वो बच्चा भी बहुत ज्यादा खुश था। A man in the group looked at Meena. एक आदमी था जो मीना और बाकी सारे लोगों के साथ पहाड़ की ओर चढ़ाई कर रहा था, उसने मीना की ओर देखा। He felt sorry for her. उसको बहुत ज्यादा दुख हुआ। किसके लिए? उसको मीना को देख के बहुत ज्यादा दुख हुआ। He felt sorry for her.
He asked her, my child. He asked her, my child, why are you carrying a boy on your back? उस आदमी ने मीना से पूछा, my child, why are you carrying a boy on my back? उस आदमी ने मीना से पूछा कि तुम तो इतनी छोटी हो और तुम क्यों अपने पीठ पे एक छोटे से बच्चे को उठाकर पहाड़ की ओर चढ़ाई कर रही हो, क्योंकि ये बहुत ज्यादा रिस्की भी है. डोंट यू फील हिज लोड. अंत में वो आदमी ये भी पूछ डालता है कि क्या तुम्हें ये बच्चा भारी नहीं लग रहा है. लोड का मतलब होता है बोझ. मीना लुक्ड एट हिम इन वंडर. मीना को बहुत ज्यादा बुरा लगा. मीना उस आदमी के और एकदम आश्चर्य रूप से देखने लगते, एकदम सरप्राइज से देखने लगती है कि ये आदमी क्या बोल रहा है. मैं अपने पीठ पे अपने छोटे से भाई को उठा के पहाड़ की चढ़ाई कर रही हूँ और ये आदमी बोल रहा है तुम क्यों अपने पीठ पे बोझ उठा के पहाड़ की चढ़ाई कर रही हो. She could not understand him. Her brother was unable to walk. मीना को उसकी बात बहुत ज़्यादा बुरा लगा और मीना को उस आदमी की बात समझ में भी नहीं आई. मीना ने बोला कि मीना अपने मन में सोच रही थी, मीना अपने मन में ये सोच रही थी कि मेरा भाई काफ़ी ज़्यादा छोटा है, उसका उम्र मात्र 4 साल है. मैं उसको इसीलिए अपने पीठ पे उठाई हूँ क्योंकि वो पहाड़ की चढ़ाई नहीं कर सकता, वो बहुत ज़्यादा छोटा है और पहाड़ की चढ़ाई करते वक्त तो बहुत ज़्यादा कंकड़ है, वो खुद को संभाल भी नहीं पाएगा, हो सकता है कि उसको चोट भी लग जाए, उसीलिए तो वो अपने भाई को पीठ पे उठाकर पहाड़ की ओर चढ़ाई कर रही थी. मीना आस्क्ड लोड, ऑफ कोर्स नॉट, ही इज माय ब्रदर. मीना ने उस आदमी से तुरंत सवाल किया, लोड, ऑफ कोर्स नॉट, ही इज माय ब्रदर. लोड, बोझ, कभी नहीं, मेरा भाई, क्योंकि वो मेरा भाई है, मेरा भाई कभी भी मेरे लिए बोझ नहीं हो सकता. अगर मैंने उसको पीठ के ऊपर उठाया है तो वो मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं अपने छोटे भाई से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, इसीलिए मैं अपने भाई को पीठ पे उठाना बोझ नहीं समझती बल्कि अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी समझती हूँ. सो दैट्स ऑल अबाउट द स्टोरी My little brother. Now let us start learning some of the new words and their meanings which we learned in this particular chapter. Understand. Understand का मतलब होता है किसी चीज को समझना, किसी चीज को समझना. Climbed. Climbed का मतलब होता है चढ़ाई करना. क्लाइंट का मतलब होता है ऊपर की ओर चढ़ाई करना. होली. होली का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा पवित्र स्थान या धार्मिक स्थान. वो कोई मंदिर हो सकता है, मस्जिद हो सकता है, चर्च हो सकता है. होली का यानी एक पवित्र या धार्मिक स्थान. स्लोली. स्लोली का यानी एकदम धीरे धीरे, एकदम धीरे धीरे. लोड. लोड का यानी भार, बोझ या कोई भी चीज जो बहुत ज्यादा हैवी हो. कोई भी चीज जो बहुत ज्यादा हैवी हो उसको हम बोलते हैं लोड या बोझ. सॉरी. सॉरी का मतलब माफी मांगना. सॉरी का मतलब माफी मांगना. This is a very interesting story which every child must learn. This story shows us the relationship between a brother and sister, and this story proves that family is very important for everybody as we do some small sacrifices in order to make the members of the family happy. So please learn the story
enjoy the story and subscribe our channel to get the latest videos related to educational content of class 1 to 12 standard students related to West Bengal Board, Odisha Board, CBSE and ICSE course provided by subject experts. And if you like this video, please press on the like button. And if you have any queries relating to this chapter, please ask your queries or mention your queries in the comment section to be answered. Thank you.